नमस्ते दोस्तों, गृहिणी के पेज पर आपका स्वागत है। आज हम जानकारी में बात करेंगे गोंद के बारे में। दोस्तों, गोंद बबूल के पेड़ की शाखाओं से आता है जो भूरे रंग के और कठोर हो जाते हैं, जिसे गोंद कहा जाता है। बबूल का गोंद सबसे अधिक पौष्टिक होता है और खान पान में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। यह गोंद से लड्डू भी बनाया जाता है। नीम के गोंद से रक्त संचार बढ़ता है। यह एक स्फूर्तिदायक पदार्थ है। इसमें नीम के समान ही औषधीय गुण है। उसी तरह पलाश का गोंद हड्डियों को मजबूत बनाता है। 1 से 3 ग्राम गोंद को शक्करयुक्त दूध या आंवले के रस के साथ लेने से वीर्य में वृद्धि होती है और शरीर में स्फूर्ति आती है। इस गोंद का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं के साथ साथ लड्डू बनाने के लिए किया जाता है। गोंद में औषधीय गुणों की अधिकता होती है क्योंकि यह पौष्टिक भोजन से भरपूर होता है। ठंड के मौसम में हमें अपने खाने पीने में अधिक सावधानी बरतनी होती है। आपने सुना होगा कि ठंड में गर्म चीजें खानी चाहिए। लहसुन, अदरक, काली मिर्च के अलावा हम अदरक के लड्डू या गोंद के लड्डू का भी सेवन करते हैं। यही नहीं, ठंड के मौसम में लोग घी में तले हुए गोंद भी खाते हैं। यदि आप प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना चाहते हैं तो दूध के साथ रोजाना 1 लड्डू का सेवन करना चाहिए। गोंद आपको वजन कम करने में मदद करता है। यह शरीर से चर्बी को कम करने में मदद करता है। एक शोध के अनुसार यदि महिलाएं 6 सप्ताह तक लगातार गोंद का सेवन करती हैं, तो उनके शरीर में बहुत अधिक चर्बी कम हो जाएगी। कैंसर में एंटी कार्सिनोजेनिक नामक तत्व पाया जाता है जो कैंसर सेल्स को खत्म करने में मदद करता है। गोंद में से ऐसे गुण होते हैं जो डायबिटीज को नियंत्रित करने में बहुत सहायक होते हैं। गोंद तनाव से बाहर निकलने में मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करता है। गोंद हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। रोजाना भुने हुए गोंद खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। गोंद में से एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो गले के काकड़े में से राहत दिलाने में मदद करता है। इसके अलावा गोंद शरीर की प्रतिरक्षा बढ़ाता है, हृदय रोग के जोखिम को कम करता है और एनीमिया को समाप्त करता है। यह गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि गोंद रीढ़ की हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। यह दूध उत्पादन को बढ़ाता है और गोंद में मौजूद अन्य तत्वों के कारण शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये बात हुई गोंद के बारे में। आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो इस पेज को सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक, कमेंट और शेयर करना प्लीज ना भूलें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ फिर से मिलते रहेंगे। जय हिंद।